अलवर के रामगढ़ थाना अंतर्गत अलावलपुर में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला नौगावा थाने में दर्ज हुआ। मृतका के भाई ने रिपोर्ट में तीन लोगों के खिलाफ उसकी बहन का अपहरण कर सोने मकान में ले जाकर तीनों लोगों ने उससे दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, मामला खुलने के डर से उसे जहर पिला दिया गया और उसे रास्ते में अचेत अवस्था में छोड़ दिया गया। परिजनों ने उसे उठाकर घर लाए जिसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसने अचेत अवस्था में बताया कि वह कूड़ा डालने गई थी, वहां घात लगाकर बैठे प्रभु सिंह, नंदलाल और जागीर सिंह उसे जबरदस्ती एक मकान में उठाकर ले गए और तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसे जहर पिला दिया। पीड़िता के भाई ने बताया कि घर लाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टियां होने लगी। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट लेने के बाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए अलवर सामान्य चिकित्सालय भिजवाया। मौके पर FSL टीम भी पहुंची। SHO नौगावा ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। 28 तारीख को हमको 28/5/2018 को 9:15 PM पर हमको सूचना मिली कि अलालपुर में किसी लड़की के संग गैंग रेप कर दिया है और उसको जबरदस्ती पॉइजन पिलाकर उसको मार दिया है। इस सूचना पर मैं खुद में जाप्ता लेकर मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने के बाद डेड बॉडी लड़की के बाप के घर चारपाई पे लेट हुई और उस पर ढक्के रख रखी थी। वो मौके पर पहुंचने के बाद उच्च अधिकारियों से निवेदन किया, जो श्रीमान CO साहब, IPS साहब और LA साहब मौके पर पहुँचे, घटनास्थल का जायजा लिया, पूरे घटनास्थल को सुरक्षित रखा और डेड बॉडी को हॉस्पिटल GHL पर रवाना किया गया और घटनास्थल को सुरक्षित किया और FSL टीम मौके पर पहुंची जिसने वो साक्षी दिखाए और अब सुबह आज पोस्टमार्टम ये लड़की का भाई जिसने हजा लिया, ये प्रभु सिंह सन ऑफ शेर सिंह और नंदलाल सन ऑफ कृपाल सिंह और तीसरा है जगीर सिंह सन ऑफ जय सिंह। अभी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किए हैं, तफ्तीश की जा रही है, अभी पोस्टमार्टम होगा और जैसे अनुसंधान जारी है गिरफ्तार किया जाए प्रयास जारी।